नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से सोच रहा था कि YouTube पर आप लोगों से एक दोबारा संवाद शुरू किया जाए, क्योंकि सालों हो गए मुझे। पहले मैं ब्लॉगिंग करता था, ब्लॉगिंग फिर छोड़ दी मैंने। सच पूछो तो अब दिखता कम है तो लिखने की दिक्कत आती है, इसलिए ज़्यादा मैं लिख नहीं पाता। इसीलिए ना बहुत सालों से ना किताब लिखी कोई, ना ब्लॉगिंग की। YouTube में यह है कि बोलना है, रिकॉर्ड करने वाले को रिकॉर्ड करना है, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है कंपैरेटिवली। तो तय किया कि आज से रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, ठीक है साहब। और देखो, ज्योतिष में ना कुछ नया नहीं है मेरे पास कहने को। जो भी मैं कहूँगा वो शायद हजारों हजारों साल पहले मुझसे बहुत समझदार लोग लिख गए। आप मेरी बात को समझिएगा, केवल वक्त के साथ हमें उन चीजों को देखने का, समझने का नजरिया बदलना पड़ता है। इंफॉर्मेशन वही है, बेसिक्स नहीं बदलते एस्ट्रोलॉजी में, बेसिक्स वही हैं। हमें उन्हीं में से ही आज के संदर्भों में सही जानकारी निकालनी है, नई नहीं निकालनी, सही निकालनी है। तो एक संवाद आज से शुरू करते हैं साहब। देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी के आसपास इतने मिथ हैं, इतने मिथक, मिथ इंग्लिश में बोलते हैं, मिथक हिंदी में कहते हैं, इतने मिथक हैं जिनके बारे में रोज़ बात की जा सकती है, रोज़ समझाया जा सकता है, बशर्ते समझने को कोई तैयार हो, ठीक है साहब। तो शुरू करते हैं, आज से एक प्रयास शुरू कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा अगर रोज़ एक वीडियो डाल सकूँ, एक हफ्ते में भी एक डाल दिया तो मैं अभी तो अचीवमेंट समझता हूँ, क्योंकि फुर्सत से सिर्फ बैठ के और वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए तो यही सबसे मुश्किल काम है आज की तारीख में, ठीक है साहब। बाकी तो सब मुझे आसान लगता है, कुंडली देख के तो घंटों बुलवा लो, मैं घंटों बात कर सकता हूँ, पर सब कुछ छोड़कर और वीडियो रिकॉर्ड करना ये मेरे लिए एक मुश्किल काम है। पर मैं एक्चुअली वास्तव में एक संवाद शुरू करना चाहता था, तो आज से एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कि ये संपर्क, ये संवाद कहाँ तक बना रहता है। आप में से कुछ आशा करते हैं कि मैं किसी विशेष टॉपिक पे आपसे बात करूं, किसी कोई खास बात करूं, मुझे बताइएगा। मेरे तक पहुंचने के साधन बहुत हैं, बताइएगा, हम बात करेंगे। तो आने वाले दिनों में, आने वाली कड़ियों में हम मिलेंगे और कई बातें करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।